लास्ट टाइम हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन किया था, लास्ट टाइम हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन किया था। टॉर्क के एक्सप्रेशन के अंदर हमने दो फॉर्मूलाज किए थे। पहला फॉर्मूला टॉर्क का ये किया था कि टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये किया था एन बी आई ए साइन अल्फा। आप कॉस वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपको एंगल लूप का मैग्नेटिक फील्ड के साथ गिवन होता है, लूप का मैग्नेटिक फील्ड के साथ गिवन होता है। आप साइन फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपको एरिया वेक्टर का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ गिवन होता है, जब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल गिवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, करंट कैरिंग लूप भी इधर है, तो बोलो इनमें एंगल क्या है लूप और इस फील्ड के बीच में? जीरो। और अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या बनेगा? 90। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो एंगल जीरो, और एरिया वेक्टर बी के साथ एंगल क्या बनाएगा? 90। अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूं तो ऐसे केस में टॉर्क होगा एन बी आई ए कॉस जीरो या एन बी आई ए साइन 90। अब कंफ्यूजन होती है, कई लोग तो देखो दोनों फॉर्मूला लगा लेते हैं, ज्यादातर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो बुक्स का पैटर्न यूज कर लेते हैं। बुक ए की फॉर्मूला लगाती है और वो साइन का फॉर्मूला है, तो हम भी साइन लगा लेते हैं। साइन के फॉर्मूले में देखो क्या होगा, अगर मैं ये कहूँगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है, तो साइन के फॉर्मूले में क्या देखना होता है? एरिया वेक्टर का बी के साथ एंगल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? एन बी आई ए साइन 90। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ा हुआ है तो एरिया वेक्टर ने एंगल क्या बनाया? 90। तो टॉर्क क्या बनेगा? एन बी आई ए साइन 90। साइन 90 का मतलब 1, टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम। तो एक शॉर्टकट है, अगर आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ा हुआ है तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसके बेस पे सब्जेक्टिव शीट नंबर 43, सब्जेक्टिव शीट नंबर 43 में सिर्फ टॉर्क के फॉर्मूला लगाने हैं। टॉर्क के फॉर्मूले पे सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बस आप मुझे इसके अंदर एक चीज बताते जाओ, एंगल। आप एंगल पहचान गए चार क्वेश्चन में तो मैं मान जाऊंगा टॉर्क का आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया, तो एरिया आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन एरिया कैलकुलेट करने से पहले आप इसमें मीटर स्क्वायर में या मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो आपके पास एरिया आ गया। व्हेन कैरिंग अ करंट ऑफ, आपको आई की वैल्यू पता लग गई, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी पता लग गया, क्योंकि उसने टॉर्क क्या पूछा? मैक्सिमम एन बी आई ए साइन एल्फा में मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैक्सिमम टॉर्क आ गया क्योंकि इसके अंदर कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन, तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिए जाएंगे? 1। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा। क्या ये पहला फॉर्मूला क्लियर है कैसे आंसर आएगा? ओह सॉरी, 600 टर्न्स गिवन है तो फिर 600 पुट कर लेना, डन। सही है, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ 40 टर्न्स कॉइल, एन पता है, एरिया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, करंट पता है, विद इट्स एक्सिस एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट 2। अब इसका मतलब क्या है? जब वो ये बोलता है ना कि एक्सिस एट राइट एंगल, एक्सिस का मतलब है इसका एरिया वेक्टर, नॉर्मल का एक्सिस बोल रहा है ये, तो ये जो एक्सिस है ये ऐसा एक्सिस है, तो इसका एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो उसका एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? 90। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा? एन बी आई ए साइन 90। वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? फिर एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल ऑफ एरिया, एरिया आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है, करंट आपको पता है, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी आपको पता है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्वाइल,
तो वो क्या कह रहे हैं, किसका एंगल है ये, इसमें इसमें क्या गिवन है, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, एक लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्वाइल। तो यानी कि ये प्लेन ऑफ क्वाइल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्वाइल। तो इसका मतलब एन बी आई ए में साइन 90, क्योंकि इसके अंदर कि साइन जीरो, साइन जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ क्वाइल के 90 डिग्री पे है और एरिया वेक्टर भी बाहर ही होगा, तो एरिया और इसके बीच में एंगल क्या है, जीरो। फिर से रिपीट करता हूं, उसने ये बोला ये प्लेन ऑफ क्वाइल है, प्लेन ऑफ क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, ठीक, प्लेन और ये 90 पे है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी बाहर होगा, बी वेक्टर भी बाहर है, तो एरिया और बी में एंगल क्या है, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, एन बी आई ए साइन जीरो, ठीक है यहाँ तक। तो एक तो ये आंसर आएगा, नेक्स्ट है, अब वो कह रहे कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द क्वाइल, खैर उसने पूछा नहीं था ये, बस वैल्यू बताई थी, तो मेरा टॉर्क जीरो है, उसने थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया, उसने पूछा कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द क्वाइल, मुझे लगा वो तब टॉर्क पूछ रहा है जब बी और एरिया में एंगल जीरो बन रहा है, तब नहीं पूछा, उसने तब पूछा जब प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ये प्लेन है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, इसने बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाया, 60, किसने बनाया, प्लेन ने बनाया, तो या तो सीधा यूज करो कॉस का फॉर्मूला, एन बी आई ए कॉस ऑफ 60, और अगर आप साइन यूज करना चाहते हो तो याद करो थीटा और अल्फा के बीच में सम क्या होता था, 90, तो अगर लूप ने एंगल बी के साथ बनाया 60, तो परपेंडिकुलर ने बी के साथ कितना बनाया, 30, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है वो इस लूप के साथ, इस प्लेन के साथ एंगल 90 बनाता है, और ये बी वेक्टर है, तो अगर लूप ने इसके साथ एंगल बनाया 60, तो एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल बनाया 30। तो अगर साइन का फॉर्मूला यूज करना है, एन बी आई ए साइन 30, और अगर कॉस यूज करना है, एन बी आई ए कॉस 60, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने फैसला साइन के साथ कर लिया, तो मैं साइन के साथ क्या यूज करूंगा, एन बी आई ए साइन 30। समझ में आ रहा है यहां तक, ऐसा क्यों हुआ, इसमें कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, इसमें फिगर मिसिंग है, इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, लेंथ और विड्थ गिवन है, तो चलो यहाँ से एरिया आ जाएगा। इट इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब समझ रहे, समझ आ रहा है कि ये प्लेन ऑफ क्वाइल है, इस प्लेन ऑफ क्वाइल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जीरो बनाया, इट इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, 90, बी के साथ 90, तो एन बी आई ए साइन 90, एन बी आई ए साइन 90 आंसर है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, एन बी आई ए साइन 90 से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट है, एक सर्कुलर क्वाइल है जिसका आपको रेडियस गिवन है, सर्कुलर क्वाइल का अगर रेडियस पता है तो कम से कम एरिया तो पता ही है, कितना, पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, करंट पता है। अब वो क्या कह रहे हैं, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसने एंगल बनाया 30, क्वाइल ने, प्लेन ऑफ क्वाइल ने बी के साथ बनाया, किसने, अच्छा इट्स एक्सिस में, ओके रिपीट कर रहा हूँ, इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक्सिस का मतलब है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल कितना बनाया, 30, तो सीधा एन बी आई ए साइन 30। अगर लूप ने बनाया तो फिर तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा, और अगर एक्सिस ने बनाया यानी कि एरिया वेक्टर ने बनाया, तो फिर एन बी आई ए साइन 30 आंसर है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या इसमें रूल लगेगा, कब कौन सा एंगल लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्कुलर क्वाइल ऑफ 200 टर्न्स, एन पता है, रेडियस पता है, तो फिर एरिया भी पता है, एरिया भी आ जाएगा यहाँ से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी पता है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्वाइल। अब जो ये क्वाइल है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्वाइल है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ 90 डिग्री पे है, तो
तो एरिया वेक्टर भी बाहर है, एरिया में और बी में एंगल क्या बनेगा, जीरो, तो टॉर्क क्या आएगा, एन बी आई ए साइन जीरो। तो एक तो टॉर्क जीरो आ गया, फिर कह रहा है टोटल फोर्स ऑन दी कॉइल। जब हमने डेरिवेशन की थी आपको याद होगा कि हमने ऐसे किया था कि एक फोर्स इधर लगती है, तो एक फोर्स इधर लगती है और एक ऊपर लगती है एक नीचे लगती है, तो नेट फोर्स ऊपर नीचे की कैंसिल, अंदर बाहर की भी कैंसिल, नेट फोर्स हमेशा इसके अंदर क्या आती है, जीरो। लेकिन टॉर्क इसमें एग्जिस्ट करता है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। फोर्स इसलिए जीरो है, अंदर और बाहर की फोर्स आपस में क्या कर रही है, कैंसिल। क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू है, तो एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन है आपका जो बी वेक्टर है वो प्लेन के साथ 90 डिग्री पे है, करंट ऐसे घूम रहे, करंट घूम रहा है तो अंदर एक छुपा हुआ इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होगा वेलोसिटी ड्रिफ्ट के साथ, तो इलेक्ट चार्ज ऐसे घूम रहे, ऐसे मूव कर रहे, टेंजेंशियल ऐसे घूम रहे, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो चार्ज की वेलोसिटी में और बी में एंगल कितना है, 90। तो फोर्स क्या लगेगी चार्ज पार्टिकल पे, बी क्यू वी साइन 90, और वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, आई बाय एन ए, वहां से आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, मेन टॉर्क में सिर्फ और सिर्फ एंगल का गेम है और कुछ भी नहीं है इसमें, एंगल की पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए बस।